हर वक्त मोबाइल। उसकी मम्मी को किसी ने बताया? क्या बताएंगे, किसे बताएंगे? ऑपरेशन के बाद वो खुद ही डिसाइड करेगी। और कब तक चलेगा ऑपरेशन? हाफ एन आवर मोर। उसकी मम्मी को इन्फॉर्म किया किसी ने? सुना है वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं। हाँ, उसकी मम्मी तो होम में रहती है। Can you hear me? Bias. रास्ता छोड़िए, चलो चलो साइड पर, चलो चल। सर, ये डायरी बॉडी से थोड़ी दूर मिली है। रवि, इट्स वेरी अर्जेंट रवि, आई नीड टू टॉक टू यू राइट नाउ। आई एम कमिंग टू पुणे टुमारो। मुझे कब डिस्चार्ज करेंगे? डिस्चार्ज? बियास, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, ऑपरेशन के बाद एटलीस्ट 72 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है, जानती हो ना? मैं घर पे अच्छे से रेस्ट करूंगी, फिर एकदम ठीक होने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। मे आई? यस, कम इन। देखो तुम्हारी फ्रेंड क्या बोल रही है, वो अभी डिस्चार्ज होना चाहती है। इसकी एक मत सुनना, ये बचपन से ही ऐसी जिद्दी है। आपको जितना दिन ठीक लगे इसे ये रखिए। सुना तुमने? टेक केयर। तुम लोग बातें करो, मैं बीच बीच में आती रहूंगी। नींद पूरी हुई? एक बार आंख खुल गई थी, फिर श्वेत आया था सुबह, बट आई वाज टू डिजी। ब्यास ब्यास, दिल छोटा मत कर, दिस इज जस्ट लाइक अनदर ऑपरेशन। इन स्पेशल इलाज में अपेरेंटली कुछ भी पता नहीं चलता। बचपन से तूने इतने हार्डशिप फेस किया है, तू आज एक सक्सेसफुल पोस्टमार्टम सर्जन बनी। कितनी लड़कियां हैं इस फील्ड में और तू मैस्टेक्टमी के बैकलैश से निकल नहीं पा रही है। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे पता है कि तुझे सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की हो रही है। शोइकत क्या सोचेगा? ये शर इट बता दे, वो कैसे हैंडल
तू जल्दी से ठीक हो जा, ड्यूटी ज्वाइन कर, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर द पेप टॉक, बट तू समझ नहीं रही है। इन अ वे आई एम इनकम्प्लीट नाउ। हेलो, कौन? देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि आपके बैंक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। क्या आप मुझे फोन मत कीजिए, बस दैट्स ऑल। फोन रख रहा हूं मैं। रवि, इट्स वेरी अर्जेंट रवि, आई नीड टू टॉक टू यू राइट नाउ। आओ, संभाल के। तू आराम कर, शाम को मिलती हूँ। तुम मेरे यहाँ खाना खा के जाना। हाँ, चलती हूँ। बाय, ध्यान रखना। पापा, क्या कर रहे हो? यूं ही एक किताब पढ़ रहा हूँ। आज मैं स्कूल में आंसर नहीं दे पाई, इसलिए मिस्टर मुझे पनिश किया था। कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा मन लगा के पढ़ना। मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बस आपकी तरह डॉक्टर बननी है। लेकिन बिना पढ़ाई किए तुम तो डॉक्टर नहीं बन पाओगी। ठीक है, बाद में पढ़ लूंगी। आप मुझे कहानी सुनाओ तो। अच्छा, लेकिन एक बात को लेकर आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या? ये जो तुम्हें पनिशमेंट मिलने के बाद भी आकर मुझे अपने सच कहा, ये सच बोलने की आदत को कभी मत छोड़ना। बड़े होकर चाहे आप डॉक्टर बनो या कुछ और। व्यास, व्यास, अरे दरवाजा क्यों बंद कर लिया यार? दरवाजा खोल। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना व्यास? अरे यार दरवाजा तो खोल ना। प्लीज तू दरवाजा खोल यार, क्या कर रहा है तू अंदर? ठीक है ना तू? यस तो आपको पिछली बार ही बताया था, हमें वहां कुछ भी नहीं मिला। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर सरकार? जहां एक्सीडेंट हुआ वहां से मेरी वाइफ का बैग, फोन कुछ भी नहीं मिला। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। आप शायद नहीं जानते, इतनी देर रात को एक ऐसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ कि हमें ही वहां पहुंचने में काफी टाइम लग गया, और इतनी देर में आसपास के कंस्ट्रक्शन साइट के लेबरर्स वहां जमा हो गए थे। अब उनमें से कोई वो बैग और फोन ले गया हो, ये तो हो ही सकता है ना। एक्सक्यूज मी। हेलो, हु इज इट? देखिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि आप लोगों के बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है और मैं खोलना भी नहीं चाहता। आप बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगली बार अगर आपने मुझे फोन किया ना तो मैं आप लोगों के बैंक के नाम पे कंप्लेन करूंगा। ओके, मैं एक मीटिंग में हूं, सो डोंट डिस्टर्ब मी। अरे ये क्या हो गया? अरे इतना मत सोचो, माँ तारा से मन्नत मांगी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काकू, चलो एक बार रामदेव जी के अस्पताल से घूम के आते हैं। सुना है वहाँ पे एक स्पेशल प्राणायाम भी है। अरे बाबा, इधर थोड़ा देख के चलो यार। कुत्ता था सामने, बोला था इतने रात को नहीं लौटेंगे।
और माँ सुनो, अभी घर जाके इतने रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं, सामने कोई धावा मिले तो खा लेंगे। अच्छा भावेदा, कोई बढ़िया धावा मिले तो रोक देना गाड़ी। ठीक है, मैं चलता हूँ मिस्टर सरकार, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी बीवी की मौत का ये हादसा एक स्ट्रेंज माजरा है। दरअसल स्ट्रेंज है इसलिए तो एक्सीडेंट है, नहीं तो इंसिडेंट होता। ठीक है, हमें अगर कुछ पता चलेगा तो आपको जरूर खबर कर देंगे। नमस्कार। नमस्कार। Sorry, bro. अभी आप चलिए, आपके लिए स्पेशल ग्रिल चिकन है, खा लीजिए। चलिए, क्या हुआ? भूख नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। See, I know you're going through a lot, पर ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? बोल, इतनी सारी दवाइयाँ हैं, खाने के बाद दवाई लेनी है और तुम्हें क्या? Don't worry about me. I can take care of myself. I know you can take care of yourself, baby. Don't call me baby. मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है तू? I am also facing a situation like this for the first time. I don't know how to react. I'm just. You don't have to face. I didn't mean that. मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। I look like a fucking mutilated body. No. I'm dying. You're not dying. I am dying. And I cannot pretend normalcy for God's sake. I don't want anyone now. मेरी बात सुन तू, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अभी तक तबीयत ठीक नहीं है, कल से फिर से कैसे काम पे जाएगी तू? कैसे? मेरा काम, मेरी लाइफ, मेरे डिसीजंस, मैं जो चाहे वो करूं। आई डोंट वांट एनीवन अराउंड मी, आई डोंट वांट यू अराउंड मी, आई वांट माय एब्सोल्यूट प्राइवेसी एट दिस माय फकिंग हाउस, एट लीस्ट आई पे द रेंट। अरे बाबा, इधर सो क्यों रहे हो? बाथरूम में जाके कुछ पी के आए हो क्या? क्या भाई साहब, आज तो आपकी सिस्टर निवेदिता ज्वाइन करने वाली थी, कहाँ है वो? शिट, मर गया। हेलो मैम, कैसे हो आप? लास्ट टाइम आया था, शायद आप छुट्टी पर थी। सो शॉक फ्रॉम इंपैक्ट और डिवाइडर से टक्कर, ड्रंक एंड ड्राइविंग? हाँ मैम, लगता तो वैसा ही कुछ है, पर ड्राइवर अभी भी बेहोश है, अगर बच गया तो शायद कुछ मिल सकता है डिटेल्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं जाल लेके आता हूँ। सुबह से एक के बाद एक बॉडी आ रहा है, अरे फटाफट काटो और काम खत्म करो। नहीं, हमारी महारानी जब तक बाल से खाल उधड़ नहीं लेती, उसको चैन कहाँ आती है? अरे ये लड़कियां सोचती है कि ये सब काम कर सकते हैं, अरे ये तो नामुमकिन है ना बॉस। हम लोग वैसे ही मार्जिनलाइज्ड हैं, दूसरे स्ट्रीम्स के लोग हमें डॉक्टर ही नहीं मानते हैं, मुर्दों का डॉक्टर बोलते हैं। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ ना। हाँ पता है, मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए तो मैंने इंट्रूड किया। रुक, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ये बात सच है कि इस फील्ड में लड़कियां कम हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों को पोस्टमार्टम करना नहीं आता। और आपको पता है मैं अपना काम इतनी डिटेल से क्यों करती हूँ? क्योंकि एक पेशेंट डॉक्टर को जो भी बोलता है उसके ऊपर बेस करके डॉक्टर डिसाइड्स द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। पेशेंट अगर एक भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे तो सब गड़बड़ हो सकती है, पर एक डेड बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती।
वहाँ मुझे जो भी दिख रहा है, जो भी मिलता है, वो सब सच है। इसलिए मैं सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने के लिए ये काम नहीं करती हूँ। आई गेट टू नो अ लॉट ऑफ ट्रूथ विच आई वुड हैव नेवर नोन अदरवाइज। चलिए गो अहेड विद योर फोन कॉल और अच्छे से मेरा मजाक उड़ाइए। एक और दिन बीत गया मुझे ये समझते हुए कि जीने का कोई मतलब ही नहीं। बस सिर्फ एक और बार कोशिश करूंगा इस दर्द को खत्म करने की। एक और बार कोशिश करूंगा इस अंधेरे में रोशनी ढूंढने की। काश मुझ में थोड़ी और हिम्मत होती। काश अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि अगर भगवान मेरे इस दर्द को खत्म ना कर सके तो कम से कम मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं खुद ही इसे खत्म कर सकूं। दिन गिनते गिनते मैं थक चुका हूं। इस तरह और जिया नहीं जाता। बिल्कुल ठीक हूँ। टाइम पे दवाई ले रही हूँ, ठीक से खाना खा रही हूँ और ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिया है। आई थिंक आई विल बी फाइन वेरी सून, सो डोंट वरी। एंड सॉरी। फॉर्मर नेशनल लेवल स्विमर क्रिस्टोफर मॉन्टल ने सुसाइड किया है। पुलिस क्या कुछ इस बात? ये कैमरा बंद कीजिए पहले सर। आपको कैसे पता चला सुसाइड है? फुटेज है आपके पास? एक आदमी मर गया है, वो रिपोर्ट कीजिए आप लोग। सुसाइड है या होमिसाइड है हम देखेंगे, आप लोग नहीं। सर सर सर, सुनने में आया है कि आपको क्रिस्टोफर मॉन्टल का सुसाइड किया है। चलिए यहाँ से, चलिए रास्ता दीजिए, चलिए। एक मिनट, वहीं बाबू एरिया सील कर दीजिए। अरे चाहिए ना पीछे मैडम, आपको जगह दीजिए, जगह दीजिए, बॉडी निकाल लीजिए, आपको साइड दीजिए, पीछे होइए, पीछे होइए मैडम। अरे भैया पीछे ना। फॉर्मर नेशनल लेवल स्विमर। स्विमर और डूबकर मरा, दैट्स स्ट्रेंज। सुसाइड केस है, टेबल पर सुसाइड नोट रख कर निकला था। करियर अचानक खत्म हो गया, उसके बाद डिप्रेशन, और घर में अपना कहने को सिर्फ एक नालायक भाई है। क्रिस्टोफर के कैंसर का ट्रीटमेंट कहाँ होता था? कोई है जो उसको मार सकता है? सब जाता था बीच-बीच में सियाल था, ठीक से पता नहीं सब। बोल, किसी को जानता है जो उसको मार सकता है? दीदी तबीयत ठीक है ना? सुकाम हुआ है शायद। आप ठीक तो है ना डॉक्टर बनर्जी? नहीं तो मैं डॉक्टर हाजरा को बुलाकर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं साहब, कौन काहे को मारेगा साहब उसको? वो
उसके कैंसर के ट्रीटमेंट का सारा पेपर निकाल दे मुझे। दे। दीदी ये देखिए यहाँ पे कुछ फूला हुआ है। ये सब मैं लेके जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसको काट के सिद्धार्थ को भेज दे और बोल जी अर्जेंट है। क्या हुआ दीदी? दीदी तो जी हेलो, देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब क्या? एक मिनट एक मिनट। हेलो मिस्टर अग्रवाल सर, मैं एसआईबी बैंक की मैनेजर प्रियंका बोल रही हूँ। सर एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सर हम आपको बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी वाइफ का एक अकाउंट है हमारे ब्रांच में जो एक जॉइंट अकाउंट है उनकी मम्मी के साथ। हम उन दोनों के नंबर्स पे बार बार कॉल्स और मैसेजेस भेज रहे हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। प्लीज सर आपको एक बार उनके मैसेजेस चेक करने पड़ेंगे क्योंकि जो केवाईसी इन्फॉर्मेशन है उनको अपडेट करना बहुत जरूरी है और अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो हमें ये अकाउंट फ्रीज करना पड़ेगा। के फोन पे ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जरूर इंपॉर्टेंट हैं। क्या है ये? I'm so so sorry. पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। पियास, तुझे ऐसा लगता है कि मुझे तेरे दर्द का एहसास नहीं है? बस अभी रोना है। पता है मुझे, ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ। बस मैं यही बोल रहा हूँ कि तू बस मेरे बारे में भी थोड़ा सोच। देख मैं तुझे फ़ोन करता हूँ तो उठाती नहीं है, ठीक का रिप्लाई नहीं करती, ऐसे कैसे जीऊँगा मैं? Choi, yeah. क्या यार, कब से फोन कर रहा हूँ? सो रही थी। अच्छा सॉरी। सुना वो तू राजू के हाथ जो सैंपल भेजा था ना, वो जो अर्जेंट कह रहा था। कौन सा? वो स्विमर सुसाइड केस का। क्या है रिपोर्ट में? ये भी लिम्फोमा का केस है। Are you sure? Of course. 100%. Thank you. Thanks a lot. अच्छा सुनना,
फोन क्या है तेरा? चार्ज पे लगाया है, ऑफ हो गया था। आ जाता, फोन कर रहे थे तुझे बार बार, तेरा फोन नहीं लगा तो मुझे कर लिया। अरे मैं तो भूल ही गया था, वो रोटरी वाला फंक्शन आज ही तो है, मैंने बोल दिया उनको हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, क्यों बोला तूने? मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे जाने से अच्छा लगेगा, चलना। I'm very tired, Shrikant. आधे घंटे के लिए चलते हैं, तू अवार्ड लेते ही वापस आ जाएंगे, डिनर तक भी नहीं रुकेंगे, प्रॉमिस। तैयार हो ले, चल। I don't have anything to wear for this occasion. ये बड़ी प्रॉब्लम है। रोज साला एक ही ड्रामा, ओवरटाइम करवाएंगे, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तूने मंगलदा से बात किया? भाव ही नहीं दिया साला, बोलता है कि नहीं जमता है तो कहीं और जाके मरवा। रुक जा, कृष्णा दी को आने दे, प्लान करके तीनों एक साथ काम छोड़ेंगे। Terry, let me tell you about this cancer surgeon friend of mine. Friend, yeah. Yeah, he used to beat his wife. What? Yeah, he used to beat his wife and he used to beat his son. Oh my God. Yeah, and he used to beat his daughter. Wow. Oh my God. He died of cancer. He couldn't beat cancer. Sab maska laga rahe. Shoikat bhi kuch kam nahi hai. Nahi, nahi. उसका किस अलग है? So actually I mailed you my thesis paper quite a time back. I think you didn't get a chance to go through it. What's your name? My name is Shoikat. Shoikat Mitra. वो शायद अपनी वो कैंसर वाली थीसिस के बारे में बात करने गया होगा। वो डॉक्टर चालो को काफी दिनों से मेल भेजता था। पर उसको लेकर भी तो आगे उसने कुछ नहीं किया। ना। इतने दिन हो गए। कुछ लिखा भी नहीं। I promise I'll go and have okay, please, a look sir, at it. Okay, please sir, go through it and give me a feedback, an honest one, please. Always. In I know, cancer, sir. You have to be honest. Yeah. मम्मी, वो जो कैलेंडर जैसा टीवी है ना, वो हम कब खरीदेंगे? सत्तू के पापा है ना, वो लेकर आए हैं। ये टीवी गंदा है। मम्मी, हम खरीदेंगे ना? हाँ, खरीदेंगे, तेरे बर्थडे पर खरीदेंगे, है ना माँ? लेकिन तब तक मन लगा के पढ़ाई करना है, और शाम को खेलने चले जाना ये रेल लाइन के पास, ये बिल्कुल बंद, याद रहेगा? चलो जाओ, बैग लेके आओ। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप मुझे रिपोर्ट टैम्पर करने को बोल रहे हैं? आप छोड़िए तो, दीज पीपल आर ब्लडी कावर्ड्स। आपकी एकलौती बेटी तो कॉलेज में पढ़ रही है, हॉस्टल में अकेली रहती है। अगर कुछ हो जाए, रेप, एसिड, मर्डर। हाँ बोल। वो सब रिहा हो गए, के सब रिहा हो गए शोकत, जिन लोगों की वजह से मेरे पापा को मुझसे इस तरह से दूर जाना पड़ा, उन सबको भाई सत्रियाई मिल गए शोकत। अरे तू बस मत रो, तू रो क्यों रही है? मैं आ रहा हूँ आज रात को, तू बस मत रो प्लीज। कौन है? इतनी देर से कौन बेल बजा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम रविकांत अग्रवाल है। मैं आपसे तो मैं क्या करूं? मैं कोई अग्रवाल वगरवाल को नहीं जानता। आप जा सकते हैं। देखिए, ठीक है आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप किसी अग्रवाल को नहीं जानते ऐसा मत कीजिए।
मेरी वाइफ इंदुलेखा अग्रवाल आपके साथ काम करती थी। या या वन डोज शुड बी इनफ। गुड आफ्टरनून। श्योर जस्ट कॉल मी व्हेनेवर यू नीड मी। गुड आफ्टरनून सर। हियर यू आर। डू यू वांट टू रुइन एवरीथिंग? व्हाट हैपेंड सर? डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग? व्हाट हैपेंड? मैंने जाने से पहले कई दफा मना किया था कि स्पेसिमेन 2 यूज मत करना। स्पेसिमेन 2? That's impossible, sir. मैंने तो बहुत दिन पहले से... सवाल लड़ा रही हो? You incorrigible woman, do you have any idea how could your callousness damage the whole thing? कौन कब मेरे साथ काम करती थी ये मुझे याद रखना होगा क्या? एक बेवकूफ डॉक्टर गलत इलाज करके मुझे बर्बाद कर रही थी। किसी तरह से मैंने मामले को संभाल लिया। उससे क्या याद रखना पड़ेगा? अब मैं ऑफिशियल्स को क्या कहूँगा? डॉक्टर अग्रवाल वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड। गलती हो गई बिकॉज शी हैड सम स्टूपिड फैमिली प्रॉब्लम विद हर स्टूपिड गॉडडैम हस्बैंड। अगर आप एक बार दरवाजा खोले तो मैं आपको सब समझा सकता हूँ। प्लीज मैं आपके साथ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। नहीं बोला ना मैंने किसी के साथ बात नहीं करनी। सुनिए, कुछ महीने पहले इंदुलेखा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है बल्कि पायल मुखर्जी जैसी एक सेलिब्रिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो सीधा मीडिया के पास चली गई तो इसका नतीजा क्या निकलेगा तुम्हें कुछ मालूम है? क्या हुआ? आंसर मी। एथिक्स कमेटी को मैं क्या जवाब दूंगा? अब चुप क्यों खड़ी हो? आंसर मी। I'm so sorry, sir. I'm really sorry. I will resign, sir. Resign? What resign? You're fired. कुछ महीने पहले इंदुलेखा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। कौन कब कैसे मरा यह जानने की मुझे जरूरत नहीं है। आपको मैंने साफ साफ बता दिया कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। वैसे भी मुझे कैसे पता कि आप इंदुलेखा के ही हस्बैंड हैं? डोंट डिस्टर्ब मी, मेरे पास बहुत काम है। हाँ बाबा। वहाँ देख, वहाँ देख। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। चाहे जो कुछ भी हो जाए आप ऐसा नहीं करेंगे। आप छोड़िए तो, these people are just bloody cowards। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। This entire situation, इतने सारे बच्चों की मौत और ये लोग बस ऐसे ही बच के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा मत करना बाबा, प्लीज। इट्स माय रिक्वेस्ट। आपकी एकलौती बेटी तो कॉलेज में पढ़ रही है, हॉस्टल में अकेली रहती है। अगर कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, रेप, एसिड, मर्डर, इसीलिए बोल रहा हूँ इस मामले को लेकर थोड़ा और सोचिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अरे सब छूट गए माँ, सबके सब छूट गए। ये देखो माँ, देखो जिन लोगों की वजह से पापा को सब छूट गए माँ, बहुत खराब है। शायद
मैं भी मर जाऊंगी पापा की तरह। आप किसके पास रहोगी माँ? आप तो बिल्कुल अकेली हो जाओगी ना? आप किसके पास रहोगी माँ? Hello, sir. Hello. I'm actually out of Kolkata and I'm driving actually. Can I call you later? Will it be a problem? Okay, that's not a problem. Thank you very much, sir. Thanks. Okay, I'll call you. Yeah. डॉक्टर चावला के साथ तेरा रैपो काफी अच्छा हो गया है। नहीं, अरे उस दिन मिले थे ना पार्टी में, तो मैंने पेपर को लेकर कुछ बात की थी उनसे। इनफैक्ट पहले भी काफी बार पेपर मेल कर चुका था मैं उनको, तब शायद बिजी रहे होंगे इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इसका मतलब वो तेरी रिसर्च फंड कर रहे हैं? I have no idea. I didn't even expect a call from him. बस उस दिन पार्टी में उन्होंने मुझसे कहा था कि पेपर्स के कुछ पोर्शंस दोबारा मेल करने, तो मैंने बस वही कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी शायद उन्होंने पढ़ा होगा कुछ, ऑब्जर्वेशंस वगैरह, डोंट नो, शायद इसीलिए फ़ोन किया था, पता नहीं। अच्छा तू एक बात बता, ऐसे ही पूछ रहा, ये डॉक्टर चावला को लेकर तेरी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, she never had an encounter with him. I surely no bad encounter. But जब भी उनके बारे में कुछ बात होती है तो तभी तो personal. Somehow, from the ideological perspective, the way he deals with the service as a doctor and the entire commercial aspect of it, पता नहीं, somehow I don't like it. अच्छा. पिछली रात हावड़ा के बुरोशिपुर के पास एक लॉरी और एक प्राइवेट कार की सामना-सामनी भिड़ंत में घटनास्थल में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। विशेष रूप से आपको एक बात बता दिया जाए कि ये जो बुरोशिपुर इलाका है, ये दिन ब दिन एक दुर्घटना प्रवण क्षेत्र बनता जा रहा है। इसी जगह पे पिछले बुधवार दुर्घटना में रानी कुटी के मधुसूदन आइच परिवार की 4 सदस्यों की मौत हो गई थी। उस गाड़ी के चालक को गंभीर हालत में बीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। देखिए, यही है वो जगह जहां कल रात ये भयानक एक्सीडेंट हुआ था। घटना के वक्त मौजूद लोगों का कहना है शायद ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। ये एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई जरूरी ट्रैफिक, वो स्विमर के रिपोर्ट में जो लिम्फोमा निकला वो कौन से स्टेज पे था? वो तो मैंने टेस्ट नहीं किया और तूने मेंशन भी नहीं किया था। क्या हुआ, किसके स्टेज? कुछ दिन पहले वो एक बॉडी ऑटोप्सी करते करते मैं फेंट हो गई थी ना। हाँ। जो फिर आपने कंप्लीट किया। हाँ। उसे लिम्फोमा था। सो? नहीं, उसके ठीक 2 दिन पहले वो हाईवे एक्सीडेंट वाले केस में जिसकी मौत हो गई थी मधुसूदन आइच, उसे भी लिम्फोमा था। सो व्हाट, डोंट यू थिंक इट्स अ बिट अनयूजुअल? Unusual? You mean to say someone is killing them? मेरा वो मतलब नहीं था, पर Bias, this is India. और हमारे देश में almost 17% cancer patient suicide करते हैं। Poverty, pain, psychological damage, ये सब तुम्हें भी पता है। Lymphoma, blood cancer common है। तुम्हारे वो swimmer के body में भी मुझे sufficient sedative मिला था। सेडेटिव? हाँ, शायद स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड किया है। 2 लोगों की बॉडी में लिम्फोमा होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मुझे भी बीच बीच में मिलता रहता है। इनफैक्ट काली एनएसएचआर का सामान तो मिला था, हाल ही में उन्होंने एक लड़की की ऑटोप्सी की थी, उसको भी स्वॉलन लिम्फ नोड्स था। गरीब थी, रेल पटरी पर कटी, म्यूटिलेटेड बॉडी, क्लियर केस ऑफ सुसाइड। अच्छा, ये हाईवे एक्सीडेंट केस में जो ड्राइवर था
तो हमारे ही हॉस्पिटल में है ना? हाँ। कौन से वार्ड में? 8th फ्लोर मेल वार्ड में। क्यों, क्या हुआ अचानक? ड्राइवर के बारे में क्यों पूछ रही? कुछ नहीं, एक बात याद आ गई, मैं अभी आती हूँ। सिस्टर, हाईवे एक्सीडेंट के एक पेशेंट को यहाँ एडमिट किया गया, क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ है? आप उनके घर वाले हो? हाँ? मैं डॉक्टर बियाज बैनर्जी, फोरेंसिक डिपार्टमेंट। आपको तो पहले कभी देखा नहीं? एक्चुअली मैं कलकत्ते में नहीं था। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सुब्रत सर का डिपार्टमेंट। सॉरी मैम, नो प्रॉब्लम, अभी तो सब ठीक ही है। एक्चुअली उनका पैर काटना पड़ा। होश तो आ गया है, पोस्ट एक्सीडेंटल ट्रॉमा। बात कर रहा है? जगा रहता है तो बहुत तकलीफ में रहता है, कुछ बोल नहीं पाता। बोल नहीं पाता मतलब? बड़ा शॉक लगा है ना, ऐसे केसेस में ऐसा हो ही सकता है। कब तक बोल पाएगा ये? पता नहीं, कम से कम एक महीना तो लगेगा ही। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ये बेबी माटे दागीना लेवा क्या रे जयशु? आज सांजे? આજ રવિવાર છે, પરમ દિવસ રવિવાર છે ત્યારે જઈશું. અને સાંભળ, કાલે ડબ્બામાં થોડા ખમણ ઢોકળા બનાવી આપજે. અચ્છા. અને કંકોત્રી ભી તો લેવા જવાનું છે ને? તે પણ જઈશું, ચિંતા નહીં કર. આ તમે શું રોજ રોજ મેટ્રોમાં જાઓ છો? ગાડી તો ગરાજમાં જ પડેલી છે. તો પણ મને રોજ એક જ પ્રશ્ન કેમ કરે છે? તને ખબર છે કે મને મેટ્રોમાં ફાવે છે. પાછું તારે અને બેબીને શોપિંગમાં પણ જવાનું છે. ગાડી તમે લોકો લઈ જાજો અને બંધવાડીની ઓફિસથી ફોન કરીને બોલાવી લેજે, ઠીક છે? તમારી જોડે તો વાત જ કરવાનું. એ એક મિનિટ, તમે આજે દવા લીધી? હા ભાઈ, હા લીધી. કાંઈ ફાયદો નથી થયો. જોઈએ બસ થોડા દિવસ. આ લગ્ન પતિ જાય ને એટલે બસ. અરે, આજે ફરીવાર લેટ થઈ ગયું. ચલો હું નીકળું છું. ચાલો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હેલો મેમ. યા મેમ, મેમ યુ ડોન્ટ નીડ ટુ વરી અબાઉટ દેટ, ઇટ્સ જસ્ટ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. યા ધ લાસ્ટ ટુ જોબ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફિનિશ બિફોર ધ ડેડલાઈન. સોઈ વો પુ શિયાઓ સાસી સચી વો પુ ચમારન વે થારંગ રન ઇન વે થાઈ ગો છોંગ શાંગ આરુ ફા શો છુ પુ શિયા લાઈ તાઉ શી હો 他会开始说话，我们完成了这个工作。那天晚上，他看到了我的脸。虽然我认为他能回忆起其他任何东西，顺便说一下，行，完成了下一个目标的移动。Andarao,
अरे आओ ना आओ, आओ। आज अचानक कैसे आना हुआ? बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड। मैं उस दिन जा नहीं पाया। हाजरा जानता है? पता है अभिजीता, एक्चुअली हाजरा दा बता रहे थे कि उस वक्त आपने एक लड़की की ऑटोप्सी की थी। काली एनेसेजर का सामान तो मिला था, हाल ही में उन्होंने एक लड़की का ऑटोप्सी किया था। हाँ, तो उसी के रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप देखिए ना थोड़ा। रुको, देखता हूँ, लेट मी चेक। एक लड़की की बॉडी, कृष्णा हल्दार, 29 इयर्स ओल्ड। कॉज ऑफ डेथ? अरे बाप रे, तुमने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया क्या? क्या उसकी बॉडी में आई मीन बाय एनी चांस लिम्फोमा मिला है? हाँ मिला, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। देखो भाई, मुझे इन सब में मत फंसाओ। अरे इसमें फंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं लिम्फोमा पेशेंट्स के सुइसाइड रेट के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही हूँ। ओह आई सी। एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई ऐसा केस वापस मिले तो प्लीज मुझे। हाँ, डेफिनेटली बता दूंगा। कैंसर सुसाइड केस तो आते रहते हैं, वेरी कॉमन दिस डेज। थैंक यू अभिजीता। ओके। हेलो शशांको, बियास बोल रही हूँ, डॉक्टर बियास बैनर्जी, फोरेंसिक। हाँ वो तो भूल ही जाओगे। अच्छा सुनो, एक छोटा सा काम था। मैं तुम्हें कुछ नाम भेज रही हूँ, तुम अपने डेटाबेस में सर्च करके देखो तो कुछ मिलता है कि नहीं। हाँ दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। ओके, ये बात अगर सिर्फ हम दोनों के बीच रहे तो ही अच्छा है। ऑफ कोर्स। एक्चुअली मैम, थैंक यू। वेलकम। क्या बात है, कुछ पर्टिकुलर बात को लेकर आप परेशान हैं? एक्चुअली एक के बाद एक कुछ अजीब घटनाएं घटी, विच इज क्वाइट अनयूजुअल। आई मीन बाय एनी चांस लिम्फोमा मिला है? हाँ मिला। ये भी लिम्फोमा का केस है। स्विमर के बॉडी में भी मुझे सफिशिएंट सेडेटिव मिला था। देखिए डॉक्टर बैनर्जी, मुझे समाओ ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। हो सकता है बहुत कम समय के अंदर एक के बाद एक ऐसे तीन हादसे हो गए हैं, इसीलिए आपको शक हो रहा है। ऊपर से पोस्ट ऑपरेशन, शायद आप मेंटली भी थोड़ी सी डाउन है। एंड मे बी ये तीनों कैंसर पेशेंट्स थे, इसलिए आप इस बात को थोड़ा पर्सनली भी ले रही हैं। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, पर क्या करूँ, मैं जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ ना, इतनी आसानी से नहीं छोड़ती हूँ। 18 लोगों के नाम, क्या है ये? आप ही बताएं क्या ये? आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको देने लायक कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं, और मुझे डरा कर भी कोई फायदा नहीं है, आपका बैकग्राउंड भी मुझे पता है। डॉक्टर घोष, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी को डराता हूँ वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। हाँ वो तो इंदुलेखा के ही कैसे पता चल गया। सर ये आदमी दोबारा यहाँ दिखे तो पुलिस को फोन करना। प्लाटी मर्डर। ओके सर। नहीं मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, तू घर जा, मैं आती हूँ। बाय। डॉक्टर बैनर्जी, मुझे अगर पता होता कि आपकी तबीयत इतनी खराब है तो मैं कभी आपको यहाँ नहीं बुलाता। यहाँ पे इतनी धूल है, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। अच्छा शशांक, ये इंदुलेखा अग्रवाल कौन है? मैम मेरे डेटाबेस में तो इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट ये क्रिस्टोफर मुंडल और कृष्णा हालदार के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने एक्चुअली मेरा एक दोस्त NACHR में रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में है, तो उसी से मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंशियली इन दोनों का प्रिस्क्रिप्शंस लिया, मैं चेक करने लगा और
उसी में इंदुलेखा अग्रवाल की नाम है। ओके, दिस इज योर इंदुलेखा अग्रवाल, ऑन्कोलॉजिस्ट एट NSHR, क्लासिक, शौकीन, डेफिनेटली ब्यूटीफुल, लेकिन सोशल मीडिया में उतना एक्टिव नहीं रहती थी, शायद परेशान थी। लास्ट अपडेट 1.5 महीना पहले, देखिए। कोई एड्रेस वगैरह? एड्रेस तो सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा, जस्ट अ सेक, इंटरनेट है ना? आई डोंट नो मैम, वी हैव डिस्ट्रॉयड हर फोन एंड एवरीथिंग इनसाइड द बैग। He's got a very important and specific list. Map him. He could be dangerous but for us. But he was not in the list. You needn't worry about that. You will be paid separately for it. Listen, you have to keep an eye on another person. I need to know how much that person knows about us. Who is that? Hi, this is Dr. Indulekha Agarwal. I got your card from my security guy. May I know the purpose of your visit to my house? Do you know me? Urgent? May I know what this is about? पहले ठंडा हो रहा है। हाँ, एक सेकंड। वी कैन मीट टुमारो एट माय प्लेस एट अराउंड 9 AM। इधर आजा। इज दैट ओके विद यू? हाँ, तू खा। अरे मैं तो कब से खा रहा हूँ, क्या यार। वेट प्लीज। क्या हूँ? Fish is quite nice. अग्रवाल 15th floor। ओके, सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आर यू बिजी? नहीं बोलो। एक और खबर देनी थी, आप जो इंदुलेखा अग्रवाल के बारे में पूछ रही थी ना, उनकी करीबन 1 महीना पहले मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में। हेलो, मैं बाद में फोन करती हूँ। डॉक्टर ब्यास बनर्जी? हाँ। इंदुलेखा से मिलने आई हैं? नहीं, हाँ मतलब अंदर आइए, प्लीज कम इन।
ओह सॉरी। ड्रंकन ब्रॉल, शराब पी के मारपीट, आप श्योर है? रिपोर्ट में भी तो यही लिखा है और 3 लोग सरेंडर भी किए हैं। ड्रंक फिर भी सही पॉइंट पे हिट किया है, बिसाइड द टेंपल और एक ठीक स्कल के पीछे, और इसी वजह से ही विक्टिम की मौत हुई है। आई थिंक दिस इज प्लान्ड। तो आप कोर्ट में टेस्टिफाई करेंगी ना मैडम? बिल्कुल। क्या है ना, बोलते सभी है लेकिन करता कोई नहीं, फालतू पॉलिटिकल झमेला है ये सब, इन्फ्लुएंसियल लोग है इसके पीछे। आप बस मुझे हियरिंग का डेट और टाइम थोड़ा पहले बता दीजिएगा। ओके बाय।这是路，这是他的家，他们出差租来的公寓里。 भाई साहब ये 3C/1 कहाँ है बता सकते हैं? कन तो द शिनची था कनंग बी ता कान ची लाई कन वेशे। ना वो मेन ये टिंग याओ शाओ शिन वो यो टिंग दान दान बु याओ सा सी ता शेन दै टिंग वो सो ची सान हाई ता। I'm sorry. I lied to you. My wife is no more. Can we meet tomorrow? I want to talk to you. तुमने अपना रिसर्च का काम खत्म नहीं किया अभी तक, क्यों? नहीं सर, वो सारा दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद समय कहाँ मिलता है सर। वैसे भी आजकल काफी सारे झमेले हैं। I think I told you. तुम्हारी बातों से पता लगता है कि तुम अंडर प्रिविलेज्ड की सर्विस करना चाहते हो, लेकिन देश का सिस्टम इतना खराब है कि कोई भी अच्छा कोई काम करना चाहे तो उसकी मेहनत पे लोग पानी फेंकने के लिए तैयार हैं। True. So much politics in this country, I tell you, it's spread like a cancer. Well, why don't you come and work in my hospital? मैं आपके हॉस्पिटल में। माने, I will have to talk to the board of directors. I'll refer your name. But you know, I like minds that are innovative and adventurous like yours. Tumhara thesis padke mujhe laga ki you can make a significant change in the treatment of bone marrow cancer. Seriously, and that would be service to society, real service that matters. I know what. Why don't I show you around my hospital? Oh, please, come sir. Sir. You said you have a feeling. आपकी वाइफ की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। इस बारे में पता करने के लिए मैं आनंदपुर थाना के उसी वरुण सरकार से मिला। He is absolutely sure कि ये हिट एंड रन का मामला है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इंदु जैसी एथिकल इंसान इस केस में इन्वॉल्व कैसे होगी। केस क्या है वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी करना ये है कि डॉक्टर सेनगुप्त से जाकर एक बार मिलना पड़ेगा, शायद कुछ मिल जाए। क्रिस्टोफर के भाई को तो कुछ नहीं पता, दैट्स अ डेड एंड। और मधुसूदन आइज के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कोई जिंदा ही नहीं है। बाकी बचे कृष्णा हालदार के घर वाले। चलिए एक बार मिलके आते हैं, सोनारपुर दूर भी नहीं है यहाँ से। अच्छा, आपको लगता है कि हमें पुलिस को इसके बारे में बता? नहीं नहीं, अभी मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। हाँ, आप चाहे तो कल के बाइक अटैक के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं। So, what have you thought of my proposal?
सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो एक्चुअली पिछले महीने हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हो गई ड्यू टू सम नियोनेटल ड्रग्स के एसिडिटीज। मेरा पेशेंट था भी नहीं, फिर भी वहाँ के पंचायत वालों ने उस केस में मेरा नाम भी छोड़ दिया, तो उस मामले में थोड़ा उलझा हुआ हूँ। बाद में मैं आई सी दैट्स नॉट एन इशू। हाँ, दिस इज डॉक्टर्स ऑन द टॉप ऑफ एवरीबॉडीज हिट लिस्ट। तुम चिंता मत करो, हम हैंडल कर लेंगे। कहाँ है यह हॉस्पिटल? बर्धमान में। नो प्रॉब्लम। हाँ, लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। टोटल 18 नेम्स विद एड्रेस। इनमें से 3 लोगों को मैंने मार्क किया हुआ है, उनको छोड़ दीजिए। बाकी 15 लोगों की डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए जितनी जल्दी हो सके। अरे इतनी जल्दी क्या है, जल्दबाजी है, टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए अगर मेरे पास टाइम रहता ना तो मैं सारे एड्रेसेस खुद जाकर विजिट करता, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट की हेल्प थोड़ी मांगता। ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू। डॉक्टर इंदुलेखा अग्रवाल का केस मेरा ही है, हिट एंड रन। उसके हस्बैंड के कई सारे 2 नंबर ही धंधे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल। इज आफ्टर मी टू प्रूव दिस केस इज समथिंग एल्स। लेकिन आप अचानक इंदुलेखा। आई एम हैविंग दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के ये क्रिस्टोफर कार एक्सीडेंट वाला मधुसूदन आइज और ये कृष्णा हल्दार नाम की लड़की, इन तीनों की मौत, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। एंड ये इंदुलेखा भी कहीं ना By the way, आपको इंदुलेखा के बारे में कहाँ से पता चला? बताऊंगी बताऊंगी, सारे सोर्सेस अभी लीक कर दूं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे आप डिटेक्टिव बन गई, इससे एक बात तो अच्छी हुई कि आपसे बीच बीच में मुलाकात हो जाती है, आई मीन मॉर्ग के बाहर। आपने कभी बताया नहीं आप मिलना चाहते हैं। मौका ही नहीं मिला। बोलिए अशोक, अब कर क्या रहे हैं? किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट में तो नहीं फंस गए? देखिए मुझे मत फंसाइए आप। हुआ क्या? अरे ये तो पूरा यमराज का लिस्ट है, वो भी बैकडेटेड। अरे इस लिस्ट के सभी लोग टपक गए हैं। सारे के सारे? 17 लोगों का तो कंफर्म है, पर एक 12 नंबर प्रदीप पटेल, उसके बारे में कोई पुलिस रिकॉर्ड या न्यूज रिपोर्ट नहीं है। थैंक्स अ लॉट अशोक। ओके अरे पटेल भाई, कितना लेट कर दिया अपने। चले चले, लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। चलिए निकलते हैं। चलिए यार, मेट्रो में आजकल इतना प्रॉब्लम चल रहा है, क्या बोलूं मैं। अरे ऑफिस में 10 बातें सुननी पड़ती है मेरे को। थैंक यू सो मच। सेकंड फ्लोर प्लीज। चलिए मिस्टर अग्रवाल। हाँ बोलिए। मिस्टर प्रदीप पटेल। हाँ जी बताइए। वो घर पर है, एक बार मिल सकते हैं? अभी 5 मिनट हुआ, वो तो निकल गए। उनका नंबर मिल सकता है? एक्चुअली हम लोग NSHR हॉस्पिटल से आए हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 098। इसका मतलब पटेल को भी कैंसर है। मोस्ट प्रोबेबली लिम्फोमा। उस लिस्ट के 18 लोगों में से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, पटेल लास्ट। हेलो। हेलो मिस्टर पटेल। हाँ बोलिए। हाँ मैं डॉक्टर बियास बैनर्जी बोल रही हूँ, BMC से। आपसे थोड़ी बात करनी थी। लेकिन मैं तो अभी मेट्रो में हूँ। हम लोग मेट्रो के सामने ही हैं। लेकिन मैं पंच करके अंदर आ चुका हूँ। 4 के बाद कॉल कीजिए, ठीक है? हेलो हेलो,
भाई साहब हमें कृष्णा हलदार के मकान जाना है। सर मैं एक बार वो सेल सॉर्टिंग फैसिलिटी देखना चाहूंगा आइडियली आपके बिजनेस में। देखो वो कल देख लेंगे यार, अभी काम की बात छोड़ो। ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है? मासीमा क्या आप बता सकती है कृष्णा का इलाज कहाँ होता था? वो क्या शैलदा के पास वहीं जाती थी। और डॉक्टर का नाम आपको याद है? नहीं नाम तो पता नहीं, एक बूढ़ा डॉक्टर था। मैं रोज नहीं जाती थी, बस उसे छोड़कर चली आती थी, दोबारा लाने वाले दिन ही जाती थी। उधर रुकना पड़ता था? कितने दिन? हर बार अलग होता था, कभी 10-12 दिन, कभी 5-6 दिन। लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए इतने दिन? वो तो पता नहीं, पर वो वहाँ अकेली नहीं रहती थी, एक बड़े कमरे में बहुत सारे पेशेंट रहते थे और एक प्रिया जैसी छोटी बच्ची के साथ कृष्णा की अच्छी दोस्ती हो गई। एक मिनट, बहुत सारे मरीज एक साथ? हाँ 10-12 दिनों के लिए। यू नो माई फियांसे? रियली? या शी इज एन ऑटोपसी सर्जन। आप उस दिन गए थे ना रोटरी के फंक्शन में? She got an award. She got an award for organ donation. Yes, sir. Asha, I believe she had a mastectomy. How is she? You do know that the best treatment is psychological, post-op, that is. Yeah, she'll be fine, sir. Good. She's a fighter. बचपन से काफी सारे adversities face की है उसने, तो she'll be good. तो हर बार क्या वही मरीज होते थे या कुछ नए लोग भी आते थे? नए क्यों होंगे? प्रिया की स्कूल की तरह सब इकट्ठे ही रहते थे और एक साथ खाना भी खाते थे। आप किसी डॉक्टर के बारे में बता रही थी, नाम याद है? हाँ लेकिन नाम नहीं जानती। एक मिनट जरा देखिए तो, क्या ये वही डॉक्टर है? हाँ यही तो है, पर पता नहीं अचानक इलाज बंद करके कहाँ चले गए। पिछली बार जब गई थी ना तब वहाँ पहले जैसे कुछ भी नहीं था, कुछ बच्चों का इलाज चल रहा था। और एक बात, और एक डॉक्टर आती थी, एकदम देवी जैसी दिखती थी, उनका नाम क्या था? हाँ याद आया, सब उन्हें इंदु दीदी बुलाते थे। एक मिनट मिस्टर अग्रवाल, मासिमा आपके पास कृष्णा के इलाज का कोई पेपर प्रेस्क्रिप्शन कुछ होगा? कागज या प्रेस्क्रिप्शन कुछ तो नहीं है, एक जन आए थे लंबा गोरा। कौन? वो क्या कह रहे थे, अस्पताल से आए हैं, वो ही सब ले गए। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की बहुत कुछ जान चुकी है। इनफैक्ट उसके पास इंदुलेखा अग्रवाल की मौत के बारे में भी कुछ खबर है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो किसी लिस्ट के बारे में बात कर रही थी। मैं सोच रहा हूँ ये कौन सा लिस्ट है। हालांकि ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और इस हालत में वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगी, और मैं तो हूँ ही। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभालूंगा सर, बस आपको एक बार बताने की जरूरत थी। सो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मैं बियास बैनर्जी बोल रही हूँ, आज सुबह आपसे बात हुई थी। कौन बात कर रहा है, ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है। मैं बियास डॉक्टर बियास बैनर्जी बीएमसी से। हेलो मिस्टर पटेल? नहीं नहीं इधर कोई पैटल वटल नहीं है, ये फोन अभी थाने में रखा है। पुलिस स्टेशन में क्यों? अरे ये फोन जिसके पास था वो आज सुबह मेट्रो एक्सीडेंट में मर गया, तो इसका सारा सामान अभी थाने में रखा है। क्या मेट्रो एक्सीडेंट में मर गया? पर आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। अरे वो सब नहीं पता, आज सुबह मेट्रो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। हाँ मौसमी जी बोलिए। नहीं वो शायद थोड़ी बिजी थी इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाई, मैं बात करता हूँ उनसे। आप पहले भी यहाँ आए थे ना, खुद को इंदुलेखा का हस्बैंड बताया था ना, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप उनके हस्बैंड हो, कोई सबूत है? आधार कार्ड दिखाओ, और मुझे ये लिस्ट दिखाने का मतलब
सर मैंने अभी आपको बताया ना, ये सबके सब लिम्फोमा पेशेंट्स थे एंड दे ऑल डाइड अननेचुरली। सो डॉक्टर सेन गुप्ता, इस लिस्ट में से दो लोग इंदुलेखा के पेशेंट थे। प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए जरा। ये इंदुलेखा का प्रिस्क्रिप्शन है एंड आई नो शी यूज्ड टू वर्क अंडर यू। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि 2018 के बाद मेरे साथ इंदुलेखा का कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। आई हैव नो क्लू व्हाट वाज शी अप टू। इनमें से कभी भी कोई आपका पेशेंट नहीं था? नहीं, मेरे पास इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? लेकिन कृष्णा हालदार की सास ने आपको आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने बताया कि कृष्णा NSHR में जाती थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए और वहाँ और भी कई लोग थे, डॉक्टर इंदुलेखा भी थी। क्या हो रहा था वहाँ सर? आप बकवास कर रही हो? कौन है ये कृष्णा हालदार? ये कौन सा NSHR? मुझे कुछ भी नहीं पता। यू 5 मिनट्स आर ओवर। सुनो, तुम्हारी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, डिटेक्टिव खेलना, इसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम जा सकते हो, मुझे बहुत काम है। बट एज योर टीचर एंड वेल विशर, मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि राइट नाउ योर प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ। थैंक यू सर। हेलो सिद्धार्थ, सुन ना, आज कालीघाट मेट्रो स्टेशन में एक आदमी की मौत हुई है। हाँ, प्रदीप पटेल नाम है उनका। एक्सीडेंट या सुइसाइड नॉट श्योर, तो एक बार चेक करके बोलेगा उनको लिम्फोमा था या नहीं। पायल मुखर्जी सर्वाइविंग कैंसर? हाँ डॉक्टर सेनगुप्त, कलकत्ता में ड्रग ट्रायल से मुझे रिलीज कर देने के बाद मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। इसके बाद अचानक एक दिन एक मिरेकल हुआ। मेरे एक ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मेरा एक चेकअप किया और उसने बताया कि आई एम ऑलमोस्ट क्योर्ड। बट मेरे फ्रेंड ने सारे प्रिस्क्रिप्शन चेक करके यही बताया कि आई गॉट क्योर्ड फ्रॉम द ड्रग्स जो डॉक्टर इंदुलेखा अग्रवाल ने मुझ पे अप्लाई की थी। मुझे पता था, ही ऑल्सो हैड लिम्फोमा। एक मिनट, तुम्हें आज दवा ली थी? हाँ भाई, हाँ ली थी, कहीं फायदा नहीं था। सही नहीं लग रहा है मुझे ये सब। मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है। तूने ये क्या शुरू कर दिया? हाँ आई नो यू आर मेंटली क्वाइट स्ट्रांग, लेकिन दिस इज टेकिंग टोल ऑन योर बॉडी। भले ही तू इग्नोर कर, पर यही चीज तेरी और सोईकोत के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। दादा बाबू, अब कहाँ जा रहा है? इससे तुम्हें क्या, तुम्हें जितना बोला उतना ही करो। जल्दी से एक टैक्सी बुला के लाओ। अच्छा, लेकिन टैक्सी वाले को क्या बोलूं? जाएंगे कहाँ? एक थप्पड़ मारूंगा। कुछ बोलना नहीं, जो बोलना है मैं बोलूंगा। जाओ। एयरपोर्ट जल्दी। आई एम सॉरी, आई मुझे आज सुबह तेरे साथ जाना चाहिए था, बट आई डिडंट नो हाउ यूड रिएक्ट। सो डॉक्टर चावला के वहाँ ज्वाइन करने के लिए तूने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है ना? एक रिक्वेस्ट करो तुझसे। आप क्या रिक्वेस्ट? तू ना इस मामले में और मत तोला जी यार। देख देख, अगर मान ले के तेरी बात सही है तो इट्स अ प्लान्ड असैसिनेशन, राइट? तो इसके पीछे किसी बहुत बड़े का हाथ होगा, पैसा होगा, पावर होगा। सी, आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग। डॉक्टर सेनगुप्त तो जरूर कुछ जानते हैं। उस दिन उनसे बात करके ही मुझे लगा था वो बस छुपा रहे हैं। पर उनके जैसा एक आदमी, दिस इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल। और जो लोग मारे गए हैं वो सबके सब आम आदमी थे। मैं खुद कृष्णा हालदार के घर होकर आई हूँ, उसकी पूरी फैमिली खत्म होने को है।
मुझे पता नहीं क्या होगा, पर मैं इस केस को नहीं छोड़ सकती। आई सीरियसली कांट। ड्रग ट्रायल? अब ये ड्रग ट्रायल कहां से शुरू हो गया? हाँ, तू करना क्या चाहती है? पता नहीं, क्रिस्टोफर और कृष्णा के घर पे उनके ट्रीटमेंट के कोई भी पेपर्स नहीं मिले। इनफैक्ट कृष्णा की सासू माँ कुछ अजीब ही बता रही थी, कोई आदमी आया और उसके ट्रीटमेंट के पेपर्स लेके चला गया। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। और दोनों के ही घर वाले कुछ अजीब बात कर रहे थे। आई हैव अ हंच दैट देयर वाज अ ड्रग ट्रायल गोइंग ऑन। देयर इज अ ड्रग ट्रायल गोइंग ऑन। देयर इज हंच का रीजन क्या है? देख, क्रिस्टोफर को महीने में एक बार खून लगता था, लेकिन लिम्फोमा में खून नहीं लगता है। और कृष्णा अपने इलाज के दौरान काफी दिनों तक NSHR में एडमिट थी। तो इसके साथ ड्रग ट्रायल का क्या? अगर मुझे सब कुछ पता होता तब तो कोई परेशानी नहीं थी। सुन, कृष्णा अपने डॉक्टर सेनगुप्ता के अंडर थी और उनसे बात करके मुझे और मिस्टर अग्रवाल को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। There's a drug trial going on. डॉक्टर मोइत्रो याद है तुझे? डॉक्टर मोइत्रो, हम लोग को मेडिसिन पढ़ाते थे। हाँ। फिलहाल वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? कोलकाता मेडिकल सर्किट में वो खुद ही एनसाइक्लोपीडिया है, उनसे बहुत जानकारी मिल सकती है। नंबर है? है ना? लव यू। काफी देर नहीं कर दी तूने। अच्छा, तू कभी भी नहीं बता दी तो सही था ना? सो एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस सर, इस ड्रग ट्रायल के वॉलंटियर्स को तो एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, लेकिन अगर ट्रायल पीरियड के दौरान उन्हें कोई सीरियस फिजिकल डैमेज होता है तो क्या कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? वेल, ये सब तुम्हारे MR ट्रेनिंग के सिलेबस में नहीं है। स्टिल, इफ यू आर आस्किंग, आई वुड से इट डिपेंड्स। कहाँ की कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी की पॉलिसी क्या है। बट जनरली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इन विदेशी कंपनीज के आने का एक बड़ा कारण ये होता है कि इन सब देशों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम लेनी पड़ती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पिछले 5 सालों में कोलकाता में जो जो सिग्निफिकेंट ड्रग ट्रायल्स हुए हैं उस बारे में आपसे वेल इन्फॉर्म्ड और कौन हो सकता है? अच्छा, तो मैं ड्रग ट्रायल्स का माइक्रोफ होम्स हूँ। लेकिन इस इंटरनेट के ज़माने में मुझसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। मैंने कोशिश की थी पर उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे काम का नहीं है। ये बात तो है, ज़्यादातर ऐसे इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड होती है। पर तुम्हारा काम क्या है? मैं WHO में एक पेपर सबमिट कर रही हूँ। ओके। रिगार्डिंग ड्रग ट्रायल्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये सब काम थोड़ा संभल कर करना। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आई मीन दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ पोटेंशियल विसिल ब्लोअर्स। एंड बाय द वे, तुमने अभी अभी बताया था कि कुछ दिन पहले तुम्हारी एक सर्जरी हुई है, और ऐसी हालत में ये सब पेपर लेकर तुम यहाँ वहाँ दौड़ रही हो। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कुछ दिनों से सभी मुझे यही बोल रहे हैं। बिकॉज दैट्स लॉजिकल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। कुछ पता चला? Not exactly. अच्छा सर, मुझे अभी याद आया, हमारे फार्माकोलॉजी के HOD डॉक्टर सेनगुप्त, वो भी तो कुछ साल पहले लिम्फोमा या ऐसे कुछ लेके एक ड्रग ट्रायल कर रहे थे ना। लिम्फोमा? क्या बोल रही हो, वो कैंसर थोड़ी ना है, उसकी तो हजारों दवाइयाँ मिलती हैं। हाँ, शोमित्रो ने एक ट्रायल किया तो था, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑन ब्लड कैंसर, पर वो तो बहुत पहले बंद हो गया था। सुना था कि कुछ गड़बड़ हुई थी, और तुम्हें तो पता ही है शोमित्रो कैसा ढीठ आदमी है।
इस बारे में और कुछ? और कुछ तो नहीं जानता हूँ। अब मेरी किसी से मुलाकात भी नहीं होती है। फिर पेपर में कोलकाता का कोई रेफरेंस ही नहीं रहेगा। तुम एक काम करो। आप एक काम कीजिए, आप मुझे NSHR ड्रॉप कर दीजिए और इंटली चले जाइए। इंटली में स्टेट ड्रग कंट्रोल एंड रिसर्च लैब है ना? हाँ। वहाँ जाकर मिसेस निवेदिता रॉय चौधरी से मिलिए। उनके पास सारे वेस्ट बंगाल में हुए ड्रग ट्रायल्स की खबर रहती है। देखिए अगर वो कुछ बता पाती है या नहीं। ऑफिशियली वो तुम्हें कुछ बताने से इनकार भी कर सकती है, बट यू कैन स्टिल ट्राई। मैं तब तक NSHR के सुपर से मिल के आती हूँ। सुपर डॉक्टर घोष जी, आई वेंट टू हिम वंस टू नो अबाउट इंदु, लेकिन मुलाकात कुछ अच्छी नहीं थी। ऐसा क्यों? ही रिफ्यूज टू टेल मी एनीथिंग अबाउट इंदु। बस हो गई बस। ओके मैडम। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। सर एक जरूरी मीटिंग में फंस गए हैं, बट वी कैन कंटिन्यू द मीटिंग, ही विल जॉइन अस। ओके बाय। मिस्टर गुप्ता। यस मैम। हमारे नए ड्रग लाइसेंस क्लियरेंस के पेपर्स तैयार है ना? हमें तुरंत वो AIMC भेजना पड़ेगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शेन गुप्ता ने कोई ड्रग ट्रायल नहीं किया था? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। बट सर दिस इज इम्पोर्टेंट, पीपल आर डाइंग। इंडिया में रोज बहुत सारे लोग मरते हैं, तुम क्या सबका ठेका लेके रखे हो? बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके कल आइएगा। एक्सक्यूज मी। कहिए किससे मिलना है? मिसेज निवेदिता रॉय चौधरी। सब रेडी है मैम, लेकिन डॉक्टर शेनगुप्ता। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, वो मैं संभाल लूंगी। आप मुझे तुरंत पेपर्स भेजिए, मुझे चेक करना पड़ेगा। कोई अपॉइंटमेंट है? जी नहीं, अभी मिल सकता है? सॉरी सर, वो बहुत बिजी है। जस्ट 5 मिनट। एक्सट्रीमली सॉरी सर, आज किसी भी हालत में नहीं हो सकता, अब कल आइए। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज अ सुपर ऑफ अ हॉस्पिटल आई नीड टू मेंटेन सर्टेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तुम मांगने से ही मैं इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकता। इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन है? मिस्टर रॉय पेपर्स चेक करने के बाद मैं आपको पेपर्स भेज दूंगी, आप इमीडिएटली वो AIMC को भेज दीजिएगा। Our launch is just around the corner and we don't have time, okay? Yes, madam. Thank you so much. Anything else, gentlemen? इसके जवाब में हाँ या ना कहना भी एक इंफॉर्मेशन है, और वो भी क्लासिफाइड। तुम्हारे साथ इस बारे में बात करना भी मैं जरूरी नहीं समझता। हेलो मिस्टर रिक, सुन तू अपना इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का नॉलेज यूज़ करके थोड़ा पता कर, पिछले 5 सालों में इंडिया में नहीं स्पेसिफिकली बंगाल में कौन से ड्रग ट्रायल्स हुए हैं। ड्रग ट्रायल कोई भी मेडिसिन मार्केट में लाने से पहले वो कुछ लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, समझा? अच्छा, और AIMC ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट में जाके भी चेक कर अगर कुछ मिलता है कि नहीं इसके बारे में, ठीक है? ओके बाय। मिस्टर प्रदीप पटेल की वाइफ श्वेता पटेल से मिलना था। मैडम वो तो उनके हस्बैंड के मौत के बाद उनकी बेटी को लेके अहमदाबाद चली गई। कोई फोन नंबर? नहीं मैडम, मेरे पास कुछ नहीं है, सॉरी। ठीक है, थैंक यू। मम्मा। यस। आई वांट पॉपकॉर्न। व्हिच वन, कैरमल और चीज? कैरमल। ओके, यू सिट हियर लाइक अ गुड बॉय, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक सून। Naganandan, her B.S. Banerjee. Thaman hai, hu cha cha mayang. Oh, 对不起. Wei ta she, zuo zun bei, jin kuai, she se nu hai.
ओके। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन 48 आवर्स तक मैं ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। तुम ठीक हो ना? हाँ। अभी मैं निकलता हूँ, बीच बीच में आता रहूंगा। पता नहीं साम क्या हो गया, इतनी नींद नहीं कि आप खोल ही नहीं पा रहा था, और ऊपर से वो कमीने बाइक वाले। एक बात बताओ, एक्सीडेंट से पहले कुछ हुआ था? एनीथिंग सस्पिशियस? मेरा मतलब है कोई आदमी, कोई घटना, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, यकीन मानिए मेरा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पुलिस क्यों आएगी साहब? अरे तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस याद करके बताओ एक्सीडेंट से पहले कुछ हुआ था या नहीं। सब जब मैं टॉयलेट करने गया था तो एक बंदे ने मुझे धक्का मारा था। जिसे टकराए थे उसका चेहरा याद है? मतलब दिखने में कैसा था? सॉरी ब्रो, याद नहीं है साहब। देखो दिमाग पर जोर डालो, बताओ। हाँ साहब, वो थोड़ा नेपाली टाइप दिखने में था। Yes, send query 118 to my chamber immediately. Okay, madam. Mr. Rajiv Mittal? Rajiv Mittal, Barakpur Bar Association Advocate. Aapke saath drug trial ka kya connection? Actually, mere client hain, जो कि डॉक्टर सेनगुप्ता के रिलेटिव हैं। तो डॉक्टर सेनगुप्ता ने मेरे क्लाइंट से काफी पैसे उधार लिए थे, लेकिन अभी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो उनके साथ ड्रग ट्रायल का क्या संबंध, रिलेशन? इट्स अ सिविल मैटर आफ्टर ऑल। डॉक्टर सेनगुप्ता ने जब पैसे लिए थे तो उन्होंने कहा था कि ही नीड्स मनी फॉर हिज बिजनेस। बिजनेस? आप ड्रग ट्रायल को बिजनेस कह रहे हैं? मैं नहीं, मेरा क्लाइंट कह रहा है। May I know the name of your client, please? Sorry, madam, it's confidential. Well, Mr. Mittal, आपको ये बता दूँ कि मुझसे जो information चाहिए आपको वो भी confidential और classified है। I can't share it with you. तो information पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? RTI file कीजिए। आप advocate हैं। I don't need to tell you much. Next, please. Thank you. सुनो ना, मैंने एक कांड किया है, पता नहीं फंस ना जाओ, होपफुली नहीं। क्या हुआ बोल? I mean, I hacked AIMC's website. What? हाँ, और वहाँ से एक खतरनाक इन्फॉर्मेशन भी मिली है। क्या? रिक जल्दी बता। हाँ, अकॉर्डिंग टू AIMC, पिछले 2 सालों से बंगाल में ब्लड कैंसर का एक ड्रग ट्रायल चल रहा है। सीरियसली? हाँ, और उसे लीड कर रहे हैं सम डॉक्टर शोमितो सेनगुप्त। ट्रिक लैपटॉप दे। क्यों? देना। क्या हुआ? लिम्फोमा का क्योर है, बट ब्लड कैंसर का अभी तक कोई डायरेक्ट क्योर नहीं है। क्या? साइड इफेक्ट्स? यस। क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
Shoumitro? हेलो शोमित्रो, कैसे हो? बहुत दिन से कोई खबर नहीं। तुमने खबर ली? अब क्या बताऊं यार, काम में फंस गया हूं। I've become completely unsocial. आप प्लीज बताओ क्या सोच रहे हो यार, प्लीज। See, I don't know whether I'm right or not. पर जरा सोच, एक ड्रग ट्रायल चल रहा है ब्लड कैंसर का, और उस ड्रग का साइड इफेक्ट है लिम्फोमा। मतलब एक कैंसर ड्रग का साइड इफेक्ट दूसरा कैंसर, सो ऑब्वियसली वो ट्रायल कभी अप्रूव नहीं होगा। ये तुमने क्या किया और क्यों किया? तुम क्या बोल रहे हो और कहाँ हो तुम? कहीं भी हूँ। आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी? इसीलिए जिन लोगों में वो साइड इफेक्ट दिखा है उन सबको मार दिया गया है। बट द क्वेश्चन इज हूज इंटरेस्ट्स वेयर एट स्टेक। हाँ, अभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। देखो शोमित्रो, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू टॉक। हैव दीस थिंग्स आर बेस्ट सेड फेस टू फेस। अभी रात हो गई है, हम कल सुबह मिलते हैं, ओके? फर्स्ट आवर में। मेक श्योर यू आर हियर, ओके? आई हैव गॉट टू हैंडल हिम नाउ। लेकिन AIMC साइट पे तो वो एक वैलिड ड्रग ट्रायल दिया हुआ है, तो फिर खून क्यों करवाएंगे? वही तो। ऐसा भी हो सकता है कि AMC को रिपोर्ट भेजने से पहले ही इन लोगों को मार दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ड्रग फॉल्टी है। हाँ। पर डॉक्टर सेनगुप्त, बट थैंक यू रिक, तुझे मैं क्या बोलूं? वॉटसन, मैडम होम्स। निशा लचाई,因为交警在高速公路上抓住了他，现在什么我也注意到了。你的道德主管什么样领袖？那是现状标准。嘿，听，你不要叫我做什么，你混蛋，你不能杀死医生和他的男朋友，我不得不承担你的责任。这有可能发生。他们偶然生存下来，但亲亲认为他是你的祭司，你却不能骗他。你的计划是什么？你要离开吗？对，是，我会告诉你，你会后悔的。Hello, Mrs. Roy Chaudhary. Hello. I am Dinesh Menon calling from AMC Delhi regarding the Tajpur drug trial. Hello, can we talk? Yes, how can I help you? Mr. Joshi ne kaha aapse is baare mein baat karne ke liye. Is it a good time? Of course, but let me explain. Sunne mein aaya hai ki launch ko lekar koi problem aa rahi hai. No, sir. I feel there's a huge confusion somewhere. Aap is drug launch ka latest status mail kar sakti hai? Yes, of course. Of course, sir. I can do that. Can I get it by Monday? Yes, I'll definitely try my best. Thanks, Mrs. Roy Chaudhary. Thank you for calling. Thank you. Bye. क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ. कुछ दिनों के लिए सोच ही मत. वैसी कोई बात नहीं है, बस सोच रही थी कि लास्ट वन एंड हाफ मंथ्स हैव बीन लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. मेरे कैंसर डिटेक्ट होने से शुरू होकर चल तो. अरे कहाँ जा रही है? प्यास शेखर, दिस इज श्योरली लिम्फोमा.
देखिए, लिम्फोमा तो कंफर्म्ड है। आपने जैसे कहा था, मैंने ब्लड सैंपल तो भेज दिया है। ब्लड कैंसर है कि नहीं वो रिपोर्ट आते ही आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच इंद्रनील बाबू। माई प्लेजर। आपके HOD वो डॉक्टर हाजरा है ना, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं उन्हें ही कॉल करता हूँ। बाय द वे, आप अचानक ये लिम्फोमा लेकर? एक्चुअली एक आर्टिकल लिख रही हूँ। अच्छा, एनीवे फिर हम लोग चलते हैं। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज कॉल करना। थैंक यू डॉक्टर बनर्जी। सॉरी, एक बात याद आ गई। बैठिए ना। शोपन, शोपन, वो टैग लाना जो बॉडी में मिला था। एक्चुअली उसके हाथ में एक टैग मिला था, मुझे देखकर लगा कि किसी हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म होगा। आप देखकर शायद ये वाला टैग। आई नो इट इज अनऑफिशियल, पर क्या मैं इसे रख सकती हूँ? बाद में लौटा दूंगी। जरूर, आपके लिए इतना कर ही सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते। डॉक्टर शेनगुप्ता विल ब्रीफ यू अबाउट द ट्रायल। यस यस, आई वेंट टू दिल्ली टू डू सम वर्क एंड आई ड्रॉप्ड बाय AIMC टू मीट मिस्टर जोशी, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रायल। आर यू श्योर डॉक्टर? If there is anything, you can tell us. There is nothing to say. As I told you, sir, there is no problem, no issues at all. In fact, we are going to launch the new drug within a few weeks' time. No, Nivedita, it's okay. We trust you. Thank you so much, sir, for your trust. But if you want to check our new facility center, you're most welcome. I can take you there, but let me warn you that it's a little far from Kolkata. No, Nivedita, not this time. Maybe during the launch. I think that's better. Okay, Dr. Sengupta, we have a flight to catch. We'll take a leave. Thank you so much. All the best. Thanks. All the best. मिला? रुको, एक प्रॉब्लम है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड? यस, डन। एक एड्रेस है, P22 फोर्थ लेन, राजारहाट, इंडस्ट्रियल सेक्टर। राजारहाट? हाँ। और ताजपुर में आके सुसाइड किया, वो भी हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में। स्ट्रेंज, मिस्टर अग्रवाल भी नहीं है कि उनको जाके बोलूं जगह ढूंढने। वरुण बाबू को फोन करती हूँ फिर। रुको, मत करो। GPS में दिखा रहा है ये राजारहाट ताजपुर में ही है। हाँ? सीधा। आई थिंक लेफ्ट होगा वहां से। हाँ, लेफ्ट ही है। सीधे जाके लेफ्ट ले। सामने ही है। वो क्या है? क्या? तू आगे देख। साइड में लगा। हाँ, सुन, तो इधर ही रुक, हम लोग अभी आते हैं, ठीक है? एक मिनट, आप अपना फोन दीजिए। क्यों? एक बार दीजिए ना, अनलॉक कीजिए। ये लीजिए। क्या था ये? नथिंग, ये जस्ट एक ऐप इंस्टॉल किया। अच्छा ठीक है, तू रुक, ठीक है, आते हैं। हाँ, कहीं जाना मत। हाँ।
I think हमें एक बार अंदर जाना चाहिए। I don't think हमें अंदर जाने देंगे। तू रुक, मैं आती हूँ। अरे अकेली मत जा, मैं चल रहा हूँ ना। तू रुक, मैं देखता हूँ। हेलो, आई एम डॉक्टर शौकत मित्र एंड शी इज डॉक्टर बिपाशा बासु। हम लोग डॉक्टर चावला के हॉस्पिटल से आए हैं, अंदर जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है, एक रूटीन विजिट है, एक रिपोर्ट बनानी है। थैंक यू, लगेगा, खोल दो। ओह थैंक यू वेरी मच, प्लीज। Still obsessed with Bipasha Basu? Shut up. मुझे नहीं पता था डॉक्टर चावला का यहाँ कोई सेटअप है। अरे बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर चावला यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो चल। ये लोग कौन है? पता नहीं अंदर कैसे घुस गए। प्रदीप, थर्ड फ्लोर विंग सी में जाकर देखो कौन वहां घूम रहे हैं। ठीक है। यस चक्री। हेलो, मैं डॉक्टर बियास बैनर्जी। हाय, आई एम मिठी। हाय मिठी, तुम यहाँ क्यों एडमिट हो? अरे आपको पता नहीं, मुझे तो कैंसर हुआ है और ट्रीटमेंट चल रहा है, और भी बहुत लोग हैं दूसरे कमरे में। सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो तुम इस कमरे में अकेली क्यों हो? नहीं नहीं, मैं सबके साथ ही थी, पर कुछ दिन पहले मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों? वो मेरे अंपीट में कुछ हुआ है, ये देखो। इसे देखकर डॉक्टर मुझे और एक अंकल को इस कमरे में शिफ्ट कर दिया, पर उस अंकल को दो तीन दिन से दिखा नहीं, लगता है घर चले गए। मीठी देखो तो, ये वही अंकल है ना, पहचाना? लेकिन उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, थककर सो गए। चलो अब। आप तो डॉक्टर हो, आप क्या जानते हो इंदु आंटी कहाँ गए? इंदु आंटी को प्लीज बोलना यहाँ फिर आने को। यस जल्दी कर। यस गार्ड फास्ट। मैं बाद में भी लूँगी तुमसे। फास्ट चलो ना, पकड़ 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 Stop!
चल चल जल्दी जल्दी आजा भागो 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 বরুণ বাবু নো নেটওয়ার্ক শিট লেট মি ট্রাই তুই আগে দেখ তুই লাইন মিলা हेलो हेलो बोरुन बाबू जी बोलिए यहाँ एक फैसिलिटी सेंटर मिला है यही ताजपुर में फैसिलिटी सेंटर हाँ हाँ क्या होता है वहाँ मैं समहाउ अंदर चली गई थी यहाँ कैंसर का एक ड्रग ट्रायल चल रहा है ये डॉक्टर चावला का है डॉक्टर चावला आर यू श्योर आई एम 100% श्योर मैंने यहाँ पे वही लोगों देखा है जो शोइकत के आईडी कार्ड में है वही आईडी कार्ड दिखा के हम लोग अंदर घुसे पर जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ एक बच्ची मिली है 8-10 साल की होगी मीठी नाम है उसका उसको भी लिम्फोमा हुआ है ये लिम्फोमा ये ब्लड कैंसर के ड्रग का साइड इफेक्ट है और जिन जिन लोगों में लिम्फोमा दिखा है उन सबको इन लोगों ने मार दिया है एंड आई एम श्योर दे विल किल दिस गर्ल वेरी सून और एक आदमी को भी 2 दिन पहले इन लोगों ने मार दिया है आप प्लीज कुछ कीजिए वरुण बाबू We can't let this girl die just like that. Please do something. हाँ, मैं देखता हूँ। मैं जल्द से जल्द ताजपुर आ रहा हूँ। आप लोग प्लीज मेरे आने तक कहीं मत जाइएगा। Okay, thank you. Hello, वो दोनों ही ताजपुर में हैं। ये चांस मिस नहीं कर सकते। They are in Tajpur. Go there immediately. I'll send you all the details. Listen to me very carefully. Dump those bodies in such a way that they are untraceable. रविकांत अग्रवाल। ओ रविकांत। हाँ। मतलब वो रविकांत अग्रवाल। हाँ वही सड़क पर शॉट डेड। वो केस तो मैं ही देख रहा हूँ सर। अच्छा केस तुम ही देख रहे हो? जी सर। ओके ओके। क्या बात है सर? एनी प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं मैं जस्ट उन्हें पर्सनली पहचानता था। अच्छा सुनो तुम्हें जस्ट बता के रख रहा हूँ मैं शायद एक बार क्राइम सीन पर जाऊँ हाँ जा सकते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन को लेकर नहीं नहीं डोंट वरी तुम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखो मैं पर्सनल इंटरेस्ट ओके सर लगभग शाम हो गई थी वो आसपास में लोग भी बहुत कम थे मैं वहाँ से साइकिल लेके आ रहा था वो जो सिग्नल है ना वहाँ पे गाड़ी आके रुकी फिर दोनों तरफ से दो बाइक वाले आके वो गाड़ी के पास रुके और 2 बार गोली मार के भागे पॉज 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 जूम और जूम करो अब क्या बताएं सर इतने भले इंसान थे क्या पता क्या हो गया मैडम जी के मौत के बाद कैसे चुपचाप से हो गए थे किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे उल्टा पुल्टा कनेक्शंस भी था लेकिन मर्डर हो जाएगा ये नहीं सोची थी
这是他的家，他们住在租来的公寓里。इसका मतलब डॉक्टर इंदुलेखा अग्रवाल भी इसी फैसिलिटी सेंटर में काम करती थी। हाँ, शायद उनको भी पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ सीरियस फाउल प्ले चल रहा है, इसलिए। एंड दैट्स व्हाई शी हैड टू पे विद हर लाइफ। और डॉक्टर चावला, वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? फंडिंग possibly. I think Dr. Chawla has all the answers. And I'm sure one more person is involved. Wait. Hello, sir. मैं बियास बोल रही हूँ. It's a little urgent. मेरे पास बात करने का time नहीं है. आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनिए. यहाँ ताजपुर में डॉक्टर चावला एक फैसिलिटी सेंटर में एक ड्रग ट्रायल चला रहे हैं। ड्रग ट्रायल। I'm sick and tired of that. I have nothing to do with any drug trial. तुम्हें और कोई काम नहीं है? Do that. And don't bother me with all this, you stupid woman. Hello sir, but जरा जल्दी चलाइए। एक PIL फाइल करने से क्या इस लॉन्च को बंद कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं, पता नहीं। PIL कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हेल्प कौन करेगा? पॉलो भी। हाँ, ऑफ कोर्स। तू फोन लगा उसे। PIL किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं किया जा सकता। ये करना होगा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ड्रग कंट्रोल बोर्ड के अगेंस्ट में। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इसमें रिस्पोंडेंट बन जाएगी। ये फॉल्टी ड्रग का मामला है तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का एंगल भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठा हो सके उतना ही हम लोगों के लिए। तू एविडेंस की चिंता मत कर, मेरे पास काफी सारे एविडेंस हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, इन सब के लिम्फोमा रिपोर्ट्स, और मैं दूसरी जगह से रिपोर्ट्स इकट्ठा करूंगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह के PIL फाइल करते वक्त अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का आदमी गवाही दे दे तो केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अंदर का आदमी। मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है। अभी बाहर जाएगी? मुझे लगता है कि बोरुन बाबू के आने तक इंतजार कर लेते हैं, बाहर जाना सेफ नहीं होगा। आई डोंट केयर अबाउट माई सेफ्टी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने तो तुझसे नहीं कहा मेरे साथ चल, मैं जा रही हूँ। मैं चल रहा हूँ, तू गुस्सा क्यों हो रही है? अरे मैम,
It is because of the relentless effort over the years and the trials that we have gone through that we have come up with a total cure for, yes, blood cancer, for leukemia. Wow. And without Wonderful. These people on the stage, this would not have been possible. And today we have with us Ms. Payal Mukherjee, who is completely cured of cancer and who is a living example of the efficacy of this brand new drug. Now, I want your patience for a small audiovisual presentation that talks about our facility, our center, where we completed our experiments so successfully. That's the center. Yeah. Really, really. That's our facility center. See over there? That's our lab and as you can see. It took a lot of care and love. You know what? Yes. Yeah, absolutely. It's actually state of the art. It's a relentless effort. अभी तक आपने जो कुछ भी सुना वो सब झूठ है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके बारे में मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ। लगभग 1.5 महीने पहले बहुत ही कम समय के अंदर मधुसूदन नाइच और क्रिस्टोफर मुंडोल नाम के दो आदमियों के बॉडी मेरे पास आया ऑटोप्सी करने के लिए। मुझे उन दोनों के शरीर में 16 लिंफ नोड्स मिले। Yes, you're supposed, I could swear, this policeman, you scoundrel. आप शायद नहीं जानती, मैं बहुत दिनों से डॉक्टर चावला की हेल्प कर रहा हूं। बहुत सारे क्रिमिनल एविडेंस छुपाने की कोशिश भी की है। डॉक्टर बैनर्जी प्लीज, आई हैड माय ओन रीजन। व्हाट रीजन बोरुन बाबू? पैसे? कितने पैसे बोरुन बाबू? आई जस्ट कांट। नहीं नहीं, पैसे के लिए नहीं, प्लीज पैसे के लिए नहीं। मेरी बेटी मीठी, मैंने सब कुछ उसके लिए फैसिलिटी सेंटर में आप जिस लड़की से मिली थी वो मेरी ही बेटी मीठी है। उसे कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर। क्या एक बच्ची मिली है, 8-10 साल की होगी, मीठी नाम है उसका, उसको भी लिम्फोमा हुआ है। वो मेरे अंपीट में कुछ हुआ है, इसे देखकर डॉक्टर मुझे और एक अंकल को इस कमरे में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, दूसरा रूम मिला है? बिग गर्ल हो गई इसलिए। आई जस्ट वॉन्टेड माई डॉटर बैक, और सिर्फ इसी वजह से मैंने डॉक्टर चावला की मदद की। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, ऑल थैंक्स टू यू। अब मुझे पता चला है कि डॉक्टर चावला मेरी बेटी को भी मार देता। सो नाउ आई विल रेड हिम। Just give me one chance, Dr. Banerjee. मैंने एक प्लान सोच रखा है। Just be with me, please. रुकिए। ब्यास और शोकत मर चुके हैं। And as discussed, मैंने मैक्स और गुआंग को भी मार दिया है। मुझे शक हो रहा था कि डॉक्टर शेनगुप्त को इसमें फंसाया गया है।
और डॉक्टर सेनगुप्तो के मदद के बिना मैं कुछ कर भी नहीं पाती, इसलिए बोरुन बाबू के जरिए डॉक्टर सेनगुप्तो से मिलकर उन्हें साजिश के बारे में बताया। मेरे पास दो स्पेसिमेन थे, 100 लोगों पर मैंने स्पेसिमेन 1 टेस्ट किया और बाकी 100 पर स्पेसिमेन 2। कुछ हफ्ते बाद मैंने देखा कि जिन लोगों पर स्पेसिमेन 2 टेस्ट किया गया था उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स दिखने लगे, जैसे चक्कर आना, स्किन रैशेस, उल्टी होना, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन। ये देखकर मैंने स्पेसिमेन 2 देना बंद कर दिया और स्पेसिमेन 1 देना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि स्पेसिमेन 2 बंद करना होगा। ओके सर। लेकिन गलती से डॉक्टर इंदुलेखा अग्रवाल 3-4 महीनों तक बैच डी के 10 पेशेंट्स को स्पेसिमेन 2 देती रही। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने बोला था ना, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग दैट यू हैव टू से। तुम्हें जो करना है करो, आई एम वर्किंग एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। लेट मी बी, जस्ट लेट मी बी प्लीज। इसके बाद मैंने डॉक्टर इंदुलेखा अग्रवाल को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया और इन 10 लोगों का ड्रग ट्रायल भी रोक दिया। कुछ दिनों बाद बाकी के 190 पेशेंट्स जिनको स्पेसिमेन 1 यानी सही स्पेसिमेन दिया जा रहा था, उनमें से कुछ में मैंने एक तरह का लिम्फ नोड्स देखा। नहीं सर, एक महीने से हुआ है। दर्द हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। लगता है लिम्फोमा है। होम, मेरा स्पेसिमेन नंबर 1 एक फॉल्टी ड्रग है। इट हैज अ डिवेस्टेटिंग साइड इफेक्ट। 190 लोगों में से 10 लोग, which is quite a high percentage, उस स्पेसिमेन नंबर 1 के साइड इफेक्ट की वजह से लिम्फोमा का शिकार हो गए। लिम्फोमा? But that's highly treatable. Otherwise, yes. लेकिन ये कैंसर के ड्रग का साइड इफेक्ट, दूसरा एक तरह का कैंसर। ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल इसे कभी अप्रूव नहीं करेगा। हमें इमीडिएटली इस ट्रायल को बंद करना पड़ेगा बिफोर अदर पीपल गेट अफेक्टेड। इस ड्रग को किसी भी हालत में मार्केट में लॉन्च नहीं होने देना चाहिए। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डोंट बी सॉरी सेनगुप्तो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा फंड रेज करके बाद में ये ट्रायल जरूर शुरू करूंगा। बट इन द मीन टाइम मैं अनाउंस करता हूँ कि ये ट्रायल आज से बंद। पायल मुखर्जी की सेहत ठीक होते ही डॉक्टर सेनगुप्तो को समझ में आ गया था कि ये 2 नंबर स्पेसिमेन सही है। बट मेरे फ्रेंड ने सारे प्रिस्क्रिप्शन चेक करके यही बताया कि आई गॉट क्योर्ड फ्रॉम द ड्रग्स जो डॉक्टर इंदुलेखा अग्रवाल ने मुझ पे अप्लाई की थी। इसका मतलब है मेरा वो स्पेसिमेन नंबर 2 एक्चुअली सही ड्रग है। सेनगुप्ता, मुझे पता है, लेकिन तुम जानते हो ना कि ऑलरेडी मैं इस ट्रायल पे कितना इन्वेस्ट कर चुका हूँ। दोबारा ट्रायल शुरू करना इम्पॉसिबल है तभी। हाँ हाँ, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए ड्रग ट्रायल की। लेकिन इस बारे में उन्हें डॉक्टर चावला से कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो AIMC दिल्ली चले गए ताकि वो नए सिरे से काम शुरू कर सके इसी बारे में बात करने के लिए। लेकिन वहाँ जाके उनको समझ में आया कि ये ड्रग ट्रायल कभी बंद ही नहीं हुआ, ये अभी भी चालू है। और ये पूरा ड्रग ट्रायल चल रहा है उनके नाम पे नकली कागज बनाकर और उनका सिग्नेचर फॉर्ज करके। लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर सेनगुप्तो के नाम पे चलाना है तो बहुत सारे नकली पेपर्स बनवाने पड़ेंगे। वो तो बनाने पड़ेंगे। चावला को जब मैंने ये बात बताई तभी मुझे पता चला चावला में इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं। उसने मुझे साफ साफ समझा दिया उसने कैसे इस मामले में मुझे फंसाया है, जिससे मेरा कोई छुटकारा नहीं है। ओम की तरफ से मौत की धमकी मिलने की वजह से मुझे उनके इस गुनाह में शामिल होना पड़ा। इस फॉल्टी ड्रग को मार्केट में लाने के लिए डॉक्टर चावला के साथ ड्रग कंट्रोल बोर्ड की ऑफिसर निवेदिता रॉय चौधरी भी शामिल थी। यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, वी शुड शिफ्ट दिस प्रोजेक्ट टू ताजपुर। आई विल हैंडल द AIMC, दैट्स नॉट एन इश्यू, बट योर डॉक्टर सेनगुप्ता शुडंट गेट एन इंकलिंग अबाउट इट। इट विल बी अ न्यू सेटअप विद अ न्यू बंच ऑफ पीपल। डू यू अंडरस्टैंड? What about the patients with the side effects? Do we leave them to the usual Chinese gang? Yeah, what else? They'll make it look like an accident or suicide perhaps. Tumhare itne dino ki koshish, mehnat, aasha is tarah khatam ho jayega, socha bhi nahi tha. Par aise halaat mein drug trial band karne ke alawa koi chara bhi to nahi tha. Dr. Ghosh,
We have to hire a whole new set of employees, and I'm sure what is in the suitcase will cover all the expenses. We have decided to shift the trials from NSHR to a brand new site near Tajpur. मैं तो सिर्फ एक जन को जानता हूँ जो इस प्रोजेक्ट को मेरी तरफ से लीड कर सकता है और वो है आप डॉक्टर अग्रवाल। कुछ ही दिनों में डॉक्टर अग्रवाल समझ गई थी कि इस ट्रायल में कुछ तो गड़बड़ है। कृष्णा हालदार नाम की एक लड़की थी, क्रिस्टोफर नाम का एक स्विमर था और इतने सारे लोग थे, कहाँ गए वो सब? मालूम नहीं है मैम। How can anyone have the audacity to release a patient without my consent? I really don't know, ma'am. I've got orders from the higher authority to release him. This is ridiculous. I'm really sorry, sir, but there seems to be a huge problem somewhere. I find too many discrepancies, and it's really not possible for me to lead a project like this. I immediately need to sort things out with you. Thank you, sir. Thank you. हाय निवेदिता, इंदुलेखा अब परेशानी खड़ी कर रही है, संभालना पड़ेगा जैसे संभालते आए हैं। एक इतने बड़े काम में ये छोटे मोटे झमेले तो होते ही रहते हैं, बट वी हैव टू लॉन्च द ड्रग फॉर द ग्रेटर गुड। लेकिन सर, मेरा काम क्राइम को रोकना है, उसका उल्टा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाप होने के नाते तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? ऑफ कोर्स सर, उसके सिवा मेरा और है ही क्या। हाँ देखो, मीठी विल बी फाइन, यू गॉट टू बी बाय माय साइड, यू गॉट टू ट्रस्ट मी। पांच मिनट बात हो सकती है? ये लड़की कुछ ज्यादा ही क्यूरियस है, हर जगह पहुंच जाती है। आज क्रिस्टोफर के घर चली गई थी, क्या करूं, मार दूं उसे? नहीं अभी नहीं, वी डोंट हैव टू किल हर राइट अवे, ओके, वी विल वेट फॉर दैट। जेपीसी फार्मा के ब्लड कैंसर की नई दवाई। इस भयानक कांड में शक की उंगली उठी जेपीसी फार्मा के मालिक डॉक्टर ओम प्रकाश चावला एवं स्टेट ड्रग कंट्रोल बोर्ड की असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती निवेदिता रॉय चौधरी के खिलाफ। हेलो बियास। हाँ बोल, एनी अपडेट? यस, आई एम फाइलिंग पीआईएल टुमारो। थैंक यू सो मच। Thank you.
much. Bye. सिर्फ टीवी देखने से नहीं होगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. मैं जल्दी आऊंगी. बाय. मैडम जी, चलिए ना कुछ दिनों के लिए कहीं घूम के आते हैं. क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? सोच रही हूँ इस बेबी फूड स्कैम को लेकर मुझे थोड़ी जांच करनी पड़ेगी. बाबा की मौत को इस तरह एक जस्टिस तो